क्या कर प्रभुगण, ये विरार स्टेशन नहीं है? नहीं है, नहीं है, नहीं है? ये कुरुक्षेत्र है। कुरुक्षेत्र? ये गजोदर, ये नाम कभी बदला? अरे धर्म क्षेत्र हो या कुरुक्षेत्र, जाना तो हमको ग्रांड रोड क्षेत्र ही है ना। हाँ, तो मैं आपको बताने जा रहा हूं कि क्या ये कौन है ये भक्त विरार के। विरार के पास में एक छोटा सा गांव है जिसका नाम है उमर गांव। किसने नाम भी नहीं सुना रहेगा। वहां का 5 लोगों का कांग्रीगेशन है। भक्त चिमनलाल, भक्त जेठालाल, भक्त गजोधर और मैं वहां का सेल्फ डिक्लेयर्ड काउंसिलर। मंदिर की तरफ से मेरा अपॉइंटमेंट नहीं हुआ है, ये यहां का मेंटर है। ये सेल्फ डिक्लेयर्ड नहीं है, उसको मैंने डिक्लेयर किया है। रोज विरार से चर्च गेट, चर्च गेट से विरार, ये हमारा ट्रेन का कांग्रीगेशन है। तो थोड़ा सा हम फिलोसॉफी में इधर उधर जाएंगे तो प्लीज राधा गोपीनाथ प्रभु के काउंसिलर सिस्टम को ब्लेम मत कीजिए, क्योंकि हम सेल्फ डिक्लेयर्ड काउंसिलर मेंटर और हमारा कांग्रीगेशन रजिस्टर्ड नहीं है डेटाबेस पे। प्रभुगण, ये कुरुक्षेत्र नहीं, कुरुक्षेत्र, और हम 5 पांडव हैं। आणि बाकीची पब्लिक? बाकीची पब्लिक मिक्स है, थोड़े कौरव है, थोड़े पांडव है। कृष्णा कुठे है? कृष्णा चिमनराव, तुमको कितनी बार बताया कि कृष्णा ग्रैंड रोड पे है और वही हमारी मंजिल है। क्या दिख रहा है तुमको पटरी के ऊपर? पटरी पे क्या दिख रहा है? दिसायला काय? हे काय महाबळेश्वर आहे का? या भांगडीत काय दिसणार? सर्वांचे टाळकेच दिसत आहे। चिमनराव चष्मा पहनो। आई ग, चष्मा विसरलो की। क्या दिख रहा है पटरी पे? ही तर 7:09 चर्च गेट फास्ट आहे। गलत। गजोधर क्या दिख रहा है? अरे प्रभु, ये तो एकदम नई वाली ट्रेन चकाचक, पूरी हवा महल है, हवा महल। गलत। जेठालाल क्या दिख रहा है? प्रभु जी, ये तो नाला सोपारा से रिटर्न आ रही है ट्रेन भर के, वो भी। अरे अपना ब्रह्मोत्सव तो इधर ही हो जाएगा लगता है। गलत। प्रहलाद क्या दिख रहा है? प्रभु जी, मुझे तो केवल विंडो सीट दिखाई दे रही है प्रभु। हाँ बोलो ला भाई, क्या एकदम परफेक्ट बोला भाई, आना पड़ेगा। प्रहलाद कौन सी वाली विंडो सीट? सेकंड फर्स्ट क्लास के पीछे वाले सेकंड क्लास के राइट साइड की चर्च गेट फेसिंग विंडो सीट। क्या परफेक्शन है यार। तू ये रे मेरा अर्जुन। प्रभु जी मारू क्या उड़ी? उड़ी मत मार, लोकल तो आने दे। चलो जगह मिल गया, जगह मिल गया। राधा गोपीनाथ की दया से
आज हमको साक्षात विंडो सीट मिल गया भाई। अरे गजोधर, एक बात तुमको बताना चाहता हूँ, ये विंडो सीट से भी ज्यादा कृपा राधा गोपीनाथ का तभी होता है जब तुमको राधा गोपीनाथ के आजू बाजू में पार्किंग मिल जाता है। विंडो सीट भी बहुत बड़ी कृपा है, आज बर्थडे के ब्रह्मोत्सव का रिटर्न गिफ्ट मिला तुमको। हाँ, तो तीन बार हरि बोल बोल के हम लोग गजोधर का अभिनंदन करेंगे। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। एक प्रश्न विचारू का प्रभु जी? बोला चिमणराव। भक्तांच्या जीवनात विंडो सीट चं काय महत्व? रे चिमणराव, विंडो टू स्पिरिचुअल वर्ल्ड है? इस कान में इतना किताब है, कुछ पढ़ते लिखते नहीं हो है? यही है वो विंडो। अरे भाई, विंडो का बहुत महत्व है। मैं आपको बोलता हूँ, जैसे नौकरी से दूर होती है कड़की, वैसे गर्मी को दूर करने के लिए चाहिए खिड़की। अरे चिमणराव, लगता है तू मंगला आरती नहीं करते ज्यादा। अरे उसमें बोला है ना, ने समसारा दावा न ललित लोका। अरे पूरा संसार का गर्मी ने ट्रेन में आ गया भाई। अरे घना घना तुम का मतलब मालूम नहीं? अरे एक खिड़की से ठंडा ठंडा हवा आएगा, तभी तो गजोधर का जपा अच्छा होएगा ना भाई। अने ये गोपीनाथ जी का कृपा हो गया ने, आज तो इसका जलसा है भाई, जलसा है। प्रहलाद, तुमको क्या लगता है? अरे प्रभु जी, हमारे तो आचार्य कहते हैं, ये न केना प्रकारेण मन कृष्ण निवेशयत। मंजे काय? अरे मंजे जो भी कुछ है उससे भगवान की याद करो। जैसे हम खिड़की के बाहर देखते हैं तो कितने सारे पेड़ पौधे दिखाई देते हैं, वो पेड़ पौधे देखने से हमें भागवत के श्लोक याद आते हैं, जहाँ पे लिखा है कि सारे पेड़ पौधे विश्वरूप भगवान के शरीर के बालों के समान है। ये जेठालाल भगवान के बालों के समान है। और इस बाहर खिड़की से देखते हैं तो झोपड़पट्टी है, लोग ट्रेन में लटक रहे हैं। अरे गीता के श्लोक याद आते हैं, दुखालयम अशाश्वतम। और सुबह सुबह जब पटरी पर लोग बैठे हुए दिखाई देते हैं तो साधुओं की वाणी याद आती है प्रभु जी, कि पूरा भौतिक जगत केवल एक शौचालय के समान है। अपना अपना काम निपटा पे गोलोक धाम चले जाओ, यहाँ पे रहने का प्लान मत करो प्रभु। इसलिए केवल खिड़की के बाहर देखते ही हम कृष्ण भावना भावित हो जाते हैं। प्रहलाद, तू ये रे मेरा अर्जुन। और एक श्लोक बोलू क्या? नहीं, ये शौचालय जरा हेवी हो गया मुझे। अभी अपन अपना एक्स्ट्रा राउंड चैंटिंग करते हैं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। झोली मेरी श्री गणेश, लौट कर मैं न जाऊंगी खाली। बर्द झोली मेरी श्री गणेश, लौट कर मैं न जाऊंगी खाली। बर्द झोली हरे कृष्णा बोली, बर्द झोली अरे हरे कृष्णा बोली, बर्द झोली अरे कृष्णा बोली। रे ये गजोधर, झोली को मार गोली। अने फोकस ऑन द नेम विच इज होली। रे झोली झोली, तू हरे कृष्णा बोलेगी ना, मैं पूरे 5 रुपए दूंगा तुझे। 5 रुपए के लिए मैं अपने गणेश को बेचूं? आप आपके पैसे आपके पास रखो, मेरा गणेश मुझे संभालेगा। बड़ा आया हरे कृष्णा वाला, बर्दे झोले में। गजोधर, तू कैसा बेचारी के साथ बात कर रहे रे? ये ऐसा 5 रुपया देके हरी नाम बुलवाने का अपना फिलोसॉफी नहीं है? बहुत तेज है प्रभु ये। अरे लेकिन उसका तो कन्विक्शन देखो। अरे बोल रही है गणेशा संभाल लेगा, तेरा कृष्णा में इतना कन्विक्शन है क्या? और अगर प्रचार करना ही है तो थोड़ा किसी का मन जीतने के लिए नम्र बनना पड़ता है। अरे कभी कभी हार माननी पड़ती है। अने हाँ गजोधर, अने हार कर जीतने वाले को ही बाजीराव कहते हैं। बाजीराव? अरे बाजीगर रे बाबा। और इसीलिए हमारे चैतन्य महाप्रभु ने क्या कहा है,
अरे प्रचार करना है तो तृणादपि सुनी चेना तरो रिव सहिष्णु न अमानी न मान देना कीर्तनीय सदा हरि। मंजे काय? अरे मंजे वागाचे पंजे बाजूला ठेवा आणि बीडबॅट मध्ये हात घाला आणि बोला जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादी गौर भक्त वृंद। एक मिनिट यार, बाबा मेरे को कुछ पूछने का है। हाँ बोल। अरे वो लड़की है उसके हाथ में भी झोली है, है। तुम लोग के हाथ में भी झोली है, है। तो दोनों झोली में फर्क क्या है? ए भाई ये झोल क्या है? ये बाबा ना गधे घोड़े में फर्क नजर नहीं आता है क्या? अरे वो लड़की का झोली भीख मांगने के लिए भाई, ने हमारा झोली जप करने के लिए है। अने हम लोग भगवान से भीख मांगता है, ने झोली में फर्क क्या है? अरे लेकिन वो कबीर ने बोला है ना कि करका मन का छोड़ के मन का फेर, करका मन का छोड़ के मन का फेर, माला जपत झुक भयो आया ना मन में फेर, उसका क्या? मंजे काय? ए मंजे काय? जब से ट्रेन में चढ़े मंजे गए करता है, मंजन करके नहीं है क्या? ए तुम लोग इधर कब से उंगली दिखा के क्या दिखाते हैं, समझ में नहीं आता। एक तो जोर जोर से चिल्लाता है और वे ये साला पब्लिक डिस्टर्ब हो गया, भगवान को डिस्टर्ब नहीं होता भाई का? मैं देखो कैसा मन में जब करता, तुमको किसी को मालूम पड़ा क्या? मालूम पड़ा क्या किसी को? नहीं, नहीं। तो फिर ए, तुम अगर मन में जब करेगा तो तुम्हारे मन में फर्क पड़ा? इतना साल से करता है तो फर्क पड़ा क्या कुछ? अरे फर्क पड़ा क्या गजोटर? अरे नहीं भाई, खरा बोलतो है। हाँ खरा बोलतो है, एकदम बराबर है। दोन वर्ष झाले जप करतो है, काहीच फरक नाही पडला। अने प्रभुजी माला तो अंदर ही घूम रहा है ने मन बाहर घूम रहा है, ये बात तो सही है भाई। हमार घरवाली भी कुछ ऐसे ही कहती है, जप से जप रहे हो कुछ ज्यादा ही तप रहे हो। अना प्रभु जी मेरी पत्नी भी वही बोली हा? अरे जब आता है गुस्सा तो फेंक देते हो टीवी का रिमोट। अरे बाप रे। अरे इतना जप करने के बाद भी नहीं गई मन की खोट, तो जप का फायदा क्या भाई? भाई साहब ये कबीर की किताब कहाँ मिलेगी? अरे वो डाडर वेस्ट में है ना, आइडियल बुक डिपो जाके ले लो। मग प्रभु जी आपण ब्रह्मोत्सवला न जाता दादरला उतरूया का? प्रभुजी दादर, दादर दादर। अरे चुप बैठो हरि बोल, दो साल आपको प्रचार करके आज ब्रह्मोत्सव में लेके जा रहे, अब दादर में उतर रहे? ए बाबा इतना मेरे प्रचार पे पानी फेंक रहे तू? मन में जप करने का बात करते गाना क्या मन में गाता है, है? और खाना क्या मन में खाता है क्या है? और पिक्चर पिक्चर क्या मन में देखते है तुम? और शादी क्या मन में किया क्या? और जब संकट में बचाओ 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 चिल्लाते तो क्या मन में चिल्लाते है? अरे कैसे बात करते है तुम, मन में चिल्लाएगा तो बचाएगा कौन मेरे को? तो फिर अगदी हाँ अगदी बरोबर पॉइंट है भाई, पॉइंट है, ये भारी पॉइंट है। तू ये रे मेरा अर्जुन, प्रभु एक श्लोक बोलू क्या? नहीं श्लोक बोल तू, वापस वो मंजे का वापस बाबा दिमाग कहेगा, इससे अपन एक्स्ट्रा राउंड चैंटिंग करते हैं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादी गौर भक्त वृंद। पुरी स्टेशन वांद्रे, बांद्रा आ गया। अगला स्टेशन बांद्रा, नेक्स्ट स्टेशन बांद्रा। बांद्रा आ गया प्रभु जी। अरे अरे दो मिनट ध्यान दीजिए इधर। अरे यार भाई और बहनों, ये और एक आ गया भाई, इधर तेरे को कोई भेंजी नजर आ रहा है क्या? क्या लेडीज में चढ़ा क्या? अरे सॉरी सॉरी, गलती से मिस्टेक हो गया। भाई और सज्जनों, आज तक आपने घी चावल में डाला होगा, हाँ। दाल में डाला होगा, हाँ। सब्जी में भी डाला होगा, हाँ। सांबर में भी डाला होगा, अरे हाँ। 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 पर कभी नाक में डाला है क्या? नाक में? ए भाई सुबह सुबह हम लोग नाक से घी निकालते देखा है भाई, नाक नहीं डालेगा नहीं देखा भाई। भाई साहब मैं वही तो कोशिश करना चाहता हूँ, वही तो बोलने की कोशिश करना चाहता हूँ, जो नाक से निकल रहा है ना उसको बंद करने के लिए ये घी डालते हैं, और उसके साथ साथ क्या होता है, आपका मोटापन कम हो जाएगा, आप मोटे हो जाओगे, आपका माइग्रेन, आपका बीपी, आपका एसिडिटी, आपका अस्थमा, सब कुछ निकल जाएगा। ये चाइना का घी तो नहीं है ना? चाइना का नहीं, पूरा भारतीय है। भारतीय कहाँ पे बनता है ये घी?
आपको पता है ग्रैंड रोड में श्री श्री राधा गोपीनाथ मंदिर उधर तो है। इधर उठना भाई, क्या विंडो सीट घर पे लेके जाएगा? अरे बैठो प्रभु जी, ना मंदिर का आदमी है। हाँ हाँ, हरी बोल हरी बोल। काय भाई, कौन से ग्रुप में, कौन से काउंसिलिंग ग्रुप में, काउंसिलर कौन है आपके? काउंसिलर नीचे रहते ना वो, अपने नारायण प्रभु स्टॉल वाले। हाँ स्टॉल वाले, वही वही काउंसिलर। ये काउंसिलर का मूड आया उसको। हाँ काउंसिलर के मूड में पूरा बेच रहे हैं। हाँ तो कैसा भक्त बन गए आप? क्या बताऊँ प्रभुगण, सुबह शाम मैं चाइना का प्रोडक्ट्स बेचता था विरार टू चर्च गेट के ट्रेन में, और उसमें चाइना का प्रोडक्ट्स, कभी पेंसिल तो कभी पेन, कभी कैलकुलेटर तो कभी हेड मसाजर, चाइना का प्रोडक्ट्स बेचते बेचते मेरी लाइफ चाइनीज बन गई। मंजे काय, चाइनीज मतलब चला तो चांद तक नहीं तो शाम तक। पर एक दिन राधा गोपीनाथ मंदिर के तुलसी प्रिय प्रभु मिले और उन्होंने कहा कि क्या चाइना का सेवा कर रहा है, गो माता का सेवा कर, भारत माता गो माता का सेवा कर। और उसी टाइम से मैं गो माता का सेवा कर रहा हूँ, और गो माता का सेवा करते करते कब मैं डीओटी बना मुझे भी पता नहीं चला। बात है प्रभु जी, हरी स्टोरी है भाई, क्या भारी स्टोरी है भाई, भारी। अपन एक ड्रामा बनाते हैं इसके ऊपर। हाँ प्रभु जी, आपका सब प्रोडक्ट हम ले लेंगे, आप बैठ जाओ आराम से। रिटर्न जर्नी में पूरा, अब किसी को बेचने का नहीं, सब आज ले लेंगे। ये आज से अपन भी गो माता का सेवा करने का। चिमन तू मंजे का करता, तू मंजन यूज करने का, गो माता का मंजन, गो माता का तेल, गो माता का शैम्पू। प्रभु जी हाँ, तू कभी भी नहाएगा ना, जब कभी तो तू गो माता का साबुन से ही नहाएगा। हाँ ओके, तो अपन गौ माता की सेवा करेंगे। हाँ चलो भाई, अभी अपन अपना चैंटिंग करते हैं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। एक मिनट बाबा, नहीं नहीं मेरे को कुछ पूछने का कुछ। हाँ बोल, किधर जा रहा है और क्यों जा रहा है? अरे भाई, हम सब प्रसाद खाने जा रहे हैं। गजोदर, इसके लिए मैं तुमको उमर गांव से कभी टेंपल लेके नहीं जाता हूँ। मैंने तुमको क्या बताया 7 दिन के गीता कोर्स में, मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है? प्रसाद खाना। तुमको क्या लगता है पब्लिक सब प्रसाद खाने के लिए है? क्या लक्ष्य मनुष्य जीवन का 7 दिन के गीता कोर्स में क्या सीखा तुमने? हमको मनुष्य जीवन नहीं पता है, लेकिन 7 दिन गीता कोर्स के प्रसाद का पूरा मेनू याद है। मेरे को एक बात समझ नहीं आता है, ये लोग ये इतना सब प्रसाद के लिए विरार से ग्रैंड टूर क्यों जाते हैं भाई? विरार में क्या प्रसाद का आकार बढ़ाएगा भाई? ए, ए, वड़ा पाव खाके जीने वाली पब्लिक, अरे तुमको राधा गोपीनाथ जी का महाप्रसाद का महत्व कैसे समझेगा? कभी खाया क्या? अरे ताज और ओबेरे का खाना भी फीका पड़ जाएगा उसके सामने। ए, बात करते हैं, ऊंची बात बोली है आपने। हम लोग उधर आ सकते हैं क्या प्रसाद खाने के लिए? ए भाई, अपना टिकट बुक है उड़ता पंजाब जाने का भाई। इधर किधर? उधर भी जाने का है अपने को। अरे उड़ता पंजाब ने उड़ने का नहीं, जुड़ने का। ज्यादा उड़ेगा ना भौतिक जगत में तो कटी पतंग के जैसे नीचे गिर जाएगा, इसलिए जुड़ने का तो भक्ति का गाड़ी उड़ेगा, नहीं तो इधर ही सड़ेगा। प्रभु जी, मुझे लगता है जेठालाल को मेंटर बना सकते हैं। नहीं, जेठालाल बहुत मैच्योर भक्त है, लेकिन अपना कांग्रीगेशन 5 लोगों का है। मैं काउंसिलर, 2 मेंटर तो 2 ही भक्त बच जाएगा ना। जरा प्रचार होने दो, बढ़ने दो, उसके बाद बनाएंगे उसको। बहुत ना इंसाफी हो रही है तुम। नहीं नहीं, ना इंसाफी नहीं हो रही, हो जाएगा। कांग्रीगेशन बढ़ाओ पहले। भाई ये भाई, हम लोग आ सकते हैं तुम्हारा मंदिर में? ये भाई, उधर जाने का फायदा क्या है? ये क्या धंधा कर रहे हैं क्या, फायदा नुकसान? क्या आदमी, फायदा क्या बोलते हैं? अरे हम लोग क्या गुजराती में कहा होते हैं, जारे थाय मंगला त्यारे थाय बंगला। मंजे काय, ए चिमान मंजे काय, जब ही मंगला आरती में जाएगा ना तभी बंगला बनाएगा भगवान अपना, नहीं इधर नहीं गोलोक वृंदावन में। ने और एक बात सुन भाई, फायदा क्या बताता हूँ तेरे को। हाँ अरे ए प्रभु, आईना साफ किया तो मैं नजर आया,
अने मैं को साफ किया तो प्रभु तू नजर आया। अरे दर्शन मिलेगा भगवान का। अरे लेकिन ये मैं को साफ करने का कैसा? अरे वही तो, मैं को साफ करने का प्रयास कर रहे जब से स्टेशन पे बैठे वीरर, तू करने ही नहीं दे रहे। ये हरे कृष्ण महामंत्र से मैं साफ होता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अरे तुम्हारा पिक्चर शुक्रवार टू शुक्रवार बदलता रहता है, तुम्हारा फेवरेट गाना शुक्रवार टू शुक्रवार बदलता रहता है। हमारा मंदिर में देखो, हमारा इंटरनेशनल सोसाइटी है, 50 साल से लोग वही गाना गा रहे हैं। हरे कृष्ण महामंत्र हर शुक्रवार टू शुक्रवार गाना नहीं बदलता है तुम्हारे जैसा, समझे क्या? और हमारे जो फाउंडर है प्रभुपाद, वो उधर गए अमेरिका अपने 70 साल की उम्र में। बाबा तुम थक जाते हैं चर्च गेट तक जाके, वो अमेरिका गए मालूम है क्या? और हाँ, 3 हार्ट अटैक आया उनको। अब बेटालाल को भी मालूम है सब कुछ। और मालूम है 13 बार घूमे वो पृथ्वी के आजू बाजू में, और ये इंटरनेशनल सोसाइटी उन्होंने स्थापन किया। अरे हम लोग को क्या, तुमने आलतू फालतू समझे क्या? इंटरनेशनल सोसाइटी के मेंबर है हम लोग। क्या मजाक है? क्या मजाक है? क्या इंटरनेशनल है? अरे प्रभु जी वीडियो दिखाई क्या? एक वीडियो दिखा उसको, एक इंटरनेशनल सोसाइटी का। देख देख वीडियो देख, देखो कैसा ये मंदिर स्थापन हुआ। फिर समझ में आ रहा है इसको। एकदम फेमस टेंपल है। फिर बाबा भाई मैं क्या बोलता हूँ, अभी अपन अपना चैंटिंग करते हैं। एक्स्ट्रा राउंड तो हुआ ही नहीं आज, ब्रह्मोत्सव एक राउंड तो जाने। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। पुडिल स्टेशन ग्रैंड रोड, अगला स्टेशन ग्रैंड रोड, अपन ग्रैंड रोड उतरने से पहले एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है। आज ना अपना ब्रह्मोत्सव का स्पेशल काउंसिलिंग मीटिंग है। अच्छा, हरिबोल हरिबोल। किधर है किधर है? आज चर्च गेट से अपना 7:15 का विरार फास्ट पकड़ने का। हाँ। तो आगे वाले फर्स्ट क्लास के पीछे के डब्बे में अपना काउंसिलिंग मीटिंग होगा, तो सब लोग प्लीज अटेंड करें। और अभी हम लोग सब ग्रैंड रोड आ रहे हैं ना भाई, क्या उड़ा पंजाब कैंसिल हो गया ना? नहीं नहीं नहीं, लेकिन मेरे को तुम्हारा उधर आने का मंदिर में, तो हम आ सकते हैं। हाँ आ सकते हैं भाई, चलो काउंसिलिंग मीटिंग में भी आने का हमको। काउंसिलिंग मीटिंग देखो, काउंसिलिंग मीटिंग क्या है ना, ये 16 माला करते हैं उनके लिए है। लेकिन हमारे इसमें एक दूसरा सिस्टम है जो राधा गोपीनाथ प्रभु ने डेवलप किया है, मेंटर सिस्टम बोलते हैं उसको। तो ये प्रहलाद है ना, मेंटर है वो। मंडे के दिन ना 8 बजे के विरार फास्ट में मेंटी मीटिंग कंडक्ट करते हैं, तो उसमें ज्वाइन होते हैं। तो अभी हम लोग जाते हैं दर्शन के। चलो भाई चलो चलो। हेलो, अरे ये वही घी वाला है भाई, इसमें घी डाला क्या भाई? अरे भाई चार खत्म हो रहा है क्या? थोड़ा ही दो प्रभु उसको। गुलाब जामुन एक और दे दो प्रभु। तो कैसा लगा आपको ब्रह्मोत्सव फेस्टिवल हमारा? प्रभु जी ड्रामा मस्त है। ड्रामा तो बहुत अच्छा होना ही। अरे प्रभु जी
प्रसाद इतना स्वादिष्ट था, इतना स्वादिष्ट था, मैंने दबा दबा के यहाँ तक खाया मैंने। पेट तो इधर तक ही होता, कुछ ज्यादा हो गया ना। हाँ, अभी देखो काउंसिलिंग मीटिंग का ऐसा नियम है कि पहला डिस्कशन ना होना चाहिए चैंटिंग के ऊपर, तो किसी को चैंटिंग के ऊपर, सब लोग चैंटिंग कर रहे हैं ना, तो चैंटिंग, हाँ, चैंटिंग के ऊपर कुछ प्रश्न है आपको? एक विचारू का? हाँ बोला। माझा एक राउंड मुंबई सेंट्रल ला चालू होऊन ग्रँड रोड ला संपतो। एक राउंड की एक महामंत्र? एक पूर्ण अख्खा राउंड। ये चिमणराव, अरे बोलते मंजे काय मंजे काय इतना धीरे धीरे, अने जपा मिल्का सिंह के जैसा करते है। ये जपा चालू है कि जोगिंग है? देखो चिमणराव, अगर राउंड बॉम्बे सेंट्रल पे शुरू होता है तो कम से कम मरीन लाइंस तक चलना चाहिए। बरोबर है, बरोबर है, ये हमारे ट्रेन का चैंटिंग का नियम है, नियम है, पॉइंट है। अगर बॉम्बे सेंट्रल पे चला और राउंड चर्च गेट पे खत्म होता है तो तुम्हारा चैंटिंग फर्स्ट क्लास होगा, हरिदास ठाकुर के श्रेणी में आएगा। वही आजू बाजू इतना नहीं, इतना ज्यादा उसको ये मत करो। तो अच्छा हो रहा है चैंटिंग, चैंटिंग अच्छा हो रहा है। लेकिन अगर बॉम्बे सेंट्रल पे शुरू हुआ राउंड ग्रैंड रोड चरनी रोड पे खत्म हो रहा है, मतलब कुछ गड़बड़ है, जगाई मधाई लगता है। हाँ, नहीं साल में काला है भाई, नहीं कुछ तो गड़बड़ हो सकता है। जरा तेरा ये बीट्स दिखा कैसे, हाँ जरा निकाल निकाल। अरे ये 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 चिमणराव, ये जप माला है कि कंठी माला है? म्हणजे अरे म्हणजे काय, त्याच्या पेक्षा पण मोठी जप माळ असते का? एक मिनिट, एक मिनिट, एक कंठी माला लेके घूम रहा ये। एक मिनिट, एक मिनिट, क्या डाउट क्या है तुम्हारा? याच्या पेक्षा ही मोठी जप माळ असते का? दिखा रे ये बघ, ये जप माला है, एवढी मोठी जप माळ नाही तर का वरमाला दिसते? चिमन, तू इतना दिन सोला माला इसमें कर रहा था? अरे एक मिनट, एक मिनट, सोला इसका, सोला मतलब चार राउंड होता है, इसको मेंटी ग्रुप में शिफ्ट कर दो वापस। ये निकालो इसको, निकालो, निकालो, हाँ काउंसिलिंग ग्रुप से बाहर निकालो इसको। नहीं प्रभु जी, नहीं मी आसपासूनच याच्या पेक्षा दुप्पट जप माळ वरती सोळा माळ करेल, पण मला काउन्सिलिंग मीटिंग मधून काढू नका। नाही नाही, रडू नको, रडू नको, तू आता आता पाच वर्ष जप केलं ना, तुझी दीक्षा होईल, लक्षात ठेव। अरे प्रभू, हमार दीक्षा, हमार दीक्षा, अरे दीक्षा कोई रिक्शा है कि कोई भी आके बैठ जाए? हमार दीक्षा। ठीक है, और कोई प्रश्न है किसी को? और कोई? आपको जस्ट एक मैं बताना चाहता हूं कि बेस्ट चैंटिंग क्या होता है, बताओ जेठालाल, बेस्ट चैंटिंग क्या होता है? अरे सिंपल है, जो नया लोग आता है ना उसको ट्रेनिंग देने के लिए ट्रेन का चैंटिंग। हाँ। एक बार उधर हो गया ना तो बीएसटी में जो जपा होता है ना, ने बेस्ट चैंटिंग। वो बराबर है, अभी तक मेंटर होने का नहीं। दरअसल उसको और मैच्योरिटी चाहिए। देखो बेस्ट चैंटिंग वो है मतलब जो ब्रह्म मुहूर्त पे करे तो बहुत अच्छा, उसको बेस्ट बोलते हैं। और अगर वो नहीं होता है तो अटेंटिव चैंटिंग करे, कभी भी दिन में रात में जो अटेंटिव करे, हर महामंत्र सुनने का प्रयास करे, तो उसको बेस्ट चैंटिंग बोलते हैं। तो और किसी को कोई प्रश्न है? रे गजोदर, उस दिन का बात बता तेरा। अरे प्रभु, उस दिन तो महा गड़बड़ हो गई। हम जैसे ट्रेन में चढ़े, पहले से कोई विंडो सीट लपक के बैठा था, अब हम बैठे दूसरे पे, तीसरे बैठे चिमनराव, अब बिचारी जो इतनी सी चौथी सीट थी उस पे बैठे जेठालाल। अरे प्रभु क्या बताओ, ने आपको तो मालूम है चौथा सीट मतलब एकदम इतना, पूरा भगवत गीता का श्लोक याद आ गया, दुखा लयम अशाश्वतम, ना भौतिक जगत में ना आध्यात्मिक जगत में, अने बहुत दुखता है प्रभु कमर बहुत। नहीं, नहीं, मैं समझ सकता। फिर क्या हुआ? अरे प्रभु, इतने में देखा वो विंडो वाला आदमी उठा बैग में से कुछ सामान लेने, मैंने भी देखा ना आओ न ताओ, तपाक से सड़क गया विंडो वाली सीट पे, मेरी बगल में चिमनराव, चिमनराव की बगल में जेठा, अब वो कभी हमें गुस्से से देखे, कभी इन्हें गुस्से से देखे। अने प्रभु आपको बताता हूँ उस दिन क्या हुआ, ने वो आदमी खड़ा हो गया, ने गजोदर को बोलता,
अरे तुम लोग तिलक लगाते और ऐसा करते है? तो ये खड़ा होके बोलते हैं, ये गया तिलक, अभी बोल क्या बोलने का। ऐसा होता है क्या प्रभु जी? नहीं नहीं, मरने वाले थे प्रभु। अरे अपने तिलक का भी इज्जत है यार, मिटा दिया इसने। वैष्णो सेवा फर्स्ट। अरे प्रभु आगे बता तो सुनो, अभी स्टोरी खत्म नहीं हुआ है। फिर वो आदमी बोला, तिलक तो मिटा दिया भाई, ये कंठी माला तो दिख रहा है ना, तो ये क्या किया इसने, बटन बंद कर दिया ऊपर का। बोला किधर है कंठी माला, दिखाओ अभी। अरे प्रभु ये तो झगड़ने के लिए तैयार था, लेकिन सामने वाला बहुत नम्र आदमी था, चौथी सीट पे जाके बैठ गए प्रभु। अच्छा प्रभु, उसकी वजह से हमारा जपा बड़ा अच्छा हुआ, उसको अज्ञात स्वीकृति तो मिलेगी ना। गजोदर, सुबह आके कौन बोल रहा था रे ये विंडो टू स्पिरिचुअल वर्ल्ड है करके? मैं अभी तू उसको स्पिरिचुअल वर्ल्ड का विंडो से उठाकर दुखालय मशाश्वतम चौथी सीट पे बिठा रहा है, तो वो तो माया में ही गिरेगा ना। देख, तेरे लिए चौथा सीट दुखालय मशाश्वतम और उसके लिए अज्ञात सुकृति, किधर का फिलोसॉफी है रे? उसके लिए जो विंडो सीट है वो विंडो, तुम्हारे लिए विंडो टू स्पिरिचुअल वर्ल्ड, और उसके उसको वहां से उठ बेटा के अज्ञात सुकृति दे रहे हैं तुम। हां ये गलत है भाई। चैतन्य महाप्रभु ने हमको क्या सिखाया? अरे चैतन्य महाप्रभु ने सिखाया है चैंट हरे कृष्णा एंड डू नॉट ऑफेंड डिवोटी। ये चिमन, डू नॉट ऑफेंड एनीबॉडी। और हमारे प्रधानमंत्री जी क्या कहते हैं? अरे कहते हैं सबका साथ सबका विकास। अने गजोदर के लिए तो सबका साथ ना, खाली मेरा ही विकास। और अभी गौरांग प्रभु ने लेक्चर में क्या बोला? अरे शेयर योर केयर। अने गजोदर बोलता है आई केयर ओनली फॉर माय शेयर। ऐसा प्रचार नहीं करने का। तो प्रभु प्रचार कैसा करने का फिर? भर दे झोली मेरी श्री गणेशा, लौट कर मैं न जाऊंगी खाली। गजोदर, तो इतने साल से यह छोटी लड़की को प्रचार कर रहे हैं, उसने एक बार भी हरे कृष्ण महामंत्र बोला? अरे बड़ी जिद्दी है ये। एक बात मुझे बताओ, वो हरे कृष्ण महामंत्र बोलेगी तो तू खुश हो जाएगा? अरे प्रभु महा खुश हो जाऊंगा मैं। लेकिन तूने कभी उसको खुश किया नहीं? कभी तुमने उसकी श्रद्धा का, जो उसका गणेशा का भक्ति, उसका कभी आदर किया? तुमने हर बार उसकी जो देवता में भक्ति थी उसका मजाक उड़ाया। हाँ गजोदर, भगवान श्री कृष्ण गीता में बोलते कि कोई भी देवता की भक्ति करता है तो मैं उसकी जो श्रद्धा है उसको दृढ़ करता हूँ। और ऐसे धीरे 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 वो देवताओं की भक्ति करते करते भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंचते, और यही हमारा गोल है कि ऐसे जो लोग हैं उनको श्री कृष्ण तक हमको लेके आना है, ताकि वो भगवान श्री कृष्ण के भक्त बने। श्रील प्रभुपाद ने कहा है कि हमारा ये मूवमेंट हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबके लिए है, हमको किसी की श्रद्धा का अपमान नहीं करना चाहिए। उनकी श्रद्धा अगर हम अप्रिशिएट करेंगे, उनको हम और प्रोत्साहन देंगे, उत्साह देंगे, तो एक दिन वो हरे कृष्ण महामंत्र भी बोलेंगे। ए बच्ची इधर आ। पॉइंट कौन है रे तेरा भगवान? मेरा भगवान श्री गणेश है, बोलो गणपति पप्पा। मंगल मूर्ति। मंगल मूर्ति। गणपति पप्पा। मंगल मूर्ति। गणपति पप्पा। मंगल मूर्ति। एक दोन तीन चार गणपति चा जय जयकार। एक दोन तीन चार गणपति चा जय जयकार। गणपति पप्पा। अरे मंगल मूर्ति। एक दोन तीन चार गणपति चा जय जयकार। अरे गणपति पप्पा। अरे मंगल मूर्ति। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा हरे रामा Rama Rama Hare Hare Thank
तय गो हरि बोल गाते रहो बजाते रहो तय गो हरि बोल गाते रहो गुनगुनाते रहो हरि बोल। गाते रहो